देखो पूरे इंडिया में टीम इलाइट के कितने सारे फैंस हैं वो तो आपको पता ही होगा, और अभी के टाइम में उनमें से 70% लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन घूम रहा है कि क्या जॉन्टी भाई FFIC खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। चलो सबसे पहले उन लोग का ही सॉल्यूशन दे रहे थे। जी गाइस, इस बार का FFIC में जॉन्टी भाई 110% खेलने वाले टीम इलाइट के साथ, और मैं इतना ज्यादा श्योर क्यों हूँ आप इस वीडियो को देख के पता लगा लो। जॉन्टी भाई पर हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बैठता है कि जॉन्टी भाई FFIC खेल ही क्यों रहे हैं। हाँ, अभी तक उन्होंने ऑफिशियली क्लियर तो नहीं किया कि जॉन्टी भाई इस बार FFIC क्यों खेल रहे हैं, पर तब भी मेरे हिसाब से ये दो रीजंस हो सकते हैं, और अगर इनमें से मेरा एक भी रीजन सही निकला ना तो पहला रीजन शायद से हो सकता है जॉन्टी भाई की एक सीक्रेट स्ट्रेटजी। जैसे कि आप लोग जानती हो, जॉन्टी भाई ने 3-4 महीने से ई-स्पोर्ट्स से संन्यास ले रखा था, और मुझे लगता है उसी 3 महीने में जॉन्टी भाई ने एक सीक्रेट स्ट्रेटजी सोच रखा है FFIC के लिए, और वो स्ट्रेटजी में हल्की सी भी चूक ना हो इसलिए वो खुद FFIC इस बार खेलने वाले हैं। उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। दूसरा रीजन शायद से ये हो सकता है कि जॉन्टी भाई इस बार कुछ न्यू करने का ट्राई कर रहे हो। जो लोग ई-स्पोर्ट्स देखते हो उन लोग को तो मालूम ही होगा, एक बार रॉकी भाई की लाइव स्ट्रीम में जॉन्टी भाई ने कुछ ऐसा बोला था, याद है कुछ? अगर हमें लगा कोई टीम ऐसी है जो खतरा बनेगी फाइनल के लिए, जी मैं तो ड्रॉपिंग पॉइंट पे उतर के मारूंगा, क्योंकि हर टूर्नामेंट में टीम इलाइट की सेम लाइनअप जाती है जिसमें RDP, किलर, पहाड़ी और आइकॉनिक रहते हैं जो कि इंडिया के बेस्ट प्लेयर है, पर तब भी कुछ लोगों सिली मिस्टेक हो जाती है मैच के बीच में जिससे मैच पूरी तरह हाथ से निकल जाता है और कोई और टीम ट्रॉफी लेके चले जाती है। इसलिए जॉन्टी भाई ने निश्चय कर लिया कि इस बार का FFIC वही खेलने वाले, 1v4 करने वाले। सॉरी। तो भाई लोग ये रहे मेरे दो रीजंस क्यों जॉन्टी भाई इस बार FFIC खेलने वाले, और आप लोग भी अपने रीजंस ना कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलेगा, ठीक है? तो भाई लोग ये वीडियो यही देखते, आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो भाई लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।